तो चुनावी मौसम में गांव, खेड़े और आदिवासी इलाके खास तवज्जो में रखे जाते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस भी अब आदिवासी वोट बैंक पर फोकस कर रही है और इसी के तहत आज कांग्रेस की ओर से सिरोही जिले के स्वरूपगंज में आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने शिरकत की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बहुमत की सरकार होने के बाद भी राजस्थान का विकास रुक गया है, दलितों और आदिवासियों पर बीजेपी सरकार के राज में अत्याचार बढ़े हैं। वहीं सिरोही जिले में टिकट को लेकर हो रहे गुटबाजी के सवाल पर पायलट ने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सम्मेलन में एआईसीसी महासचिव मोहन प्रकाश, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। हमारे आदिवासी भाई और बहन विशेष रूप से पीड़ित हैं और जो उम्मीद जनता की सरकार से थी उसमें हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई है। आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे एसटी के बहन और भाई और परिवार के सब लोग इकट्ठे हुए, हमने उनको आश्वासन दिया है कि कांग्रेस का राज बनने के बाद स्थिति को परिवर्तित हम लोग करेंगे। आज मूलभूत सुविधाएं चाहे राशन की हों, पानी की हों, छात्रवृत्ति की हों, शिक्षा की हों, चिकित्सा की हों, सबसे मुहैया कराने का जो इनका संकल्प था वो पूरी तरह फेल हुए हैं और एसटी समाज के लोगों को पूरा मान सम्मान देके विशेष रूप से जो शोषण और उनको पीड़ित किया जाता है उस पर सरकार ध्यान देती नहीं है और बाहुबलियों को संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रण लिया है कि सरकार बनने के बाद हमारे एसटी के बहन और भाई हैं इनको विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे, इनकी हर बाजी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे।